Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Aaj hum banayenge fish curry. Aur January ka mahina hai, bahut zyada sardi pad rahi hai. To aise mein garam cheeze bahut zyada khai ja rahi hain. तो आज मछली की जो कड़ी है वो खाने का दिल चाह रहा था. इंशाल्लाह मज़ेदार बनेगी, आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा. तो आइए देखते हैं इसके लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है. ये हमारे पास फ़िश है, लहसुन और अदरक का पेस्ट है, टमाटर, प्याज, और ये बनाई जाएगी सरसों के ऑयल में. अगर आपके पास सरसों का तेल ना हो तो आप ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन सरसों के तेल में ज़्यादातर ये बनाई जाती है और ये बड़ी मज़ेदार बनती है. इसके साथ ही गरम मसाला है, जवैन है और सब्ज़ मिर्च है, नमक, लाल मिर्च और हल्दी और सब्ज़ धनिया. तो चलिए शुरू करते हैं. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. सबसे पहले कढ़ाई के अंदर हम सरसों का तेल शामिल करेंगे. थोड़ा सा जीरा, और साथ जवैन, प्याज शामिल करेंगे. अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, वीडियो को शेयर ज़रूर करें, और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें. तो काइंडली कमेंट ज़रूर किया करें, कमेंट से मुझे बहुत हौसला अफज़ाई होती है और मैं आपके कमेंट्स जो हैं वो बहुत शौक़ से पढ़ता हूँ. कमेंट से ही मुझे पता चलता है कि मेरी वीडियो जो है वो कैसी लगी आपको. प्याज हमारा ब्राउन हो गया, बिल्कुल हल्का ब्राउन किया हमने. तो अभी इसमें हम शामिल कर देते हैं लहसुन और अदरक का पेस्ट. प्याज को हमने बिल्कुल मामूली सा ब्राउन किया, ज़्यादा ब्राउन नहीं किया. लहसुन और अदरक को अच्छे तरीके से भून लिया हमने. अब हम टमाटर शामिल कर देंगे और साथ ही हम सब्ज़ मिर्च भी शामिल कर देंगे. अभी हम नमक, मिर्च और हल्दी जो है वो शामिल कर देंगे. बिस्मिल्लाह. थोड़ा सा हम पानी शामिल करेंगे. मसाला हमारा अच्छे तरीके से भुन चुका है. अब इसमें हम फिश शामिल कर लेते हैं. फ़िश को हमने नमक और जवैन लगा के तकरीबन घंटे के लिए रख दिया था, उसके बाद इसको हमने अच्छे तरीके से धो लिया. तो अब हम फ़िश शामिल कर देते हैं.
फिश को अच्छे तरीके से मसाले के अंदर हमने भून लिया, फिश नूं चंगी तरह ही भुन लिया मसाले दे विच, ते हुण इहदे विच असां पानी पा देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असी ज़्यादा शोरबा नहीं बनाना, बिल्कुल थोड़े बनाना असी शोरबा, इसलिए पानी असी थोड़ा ही शामिल किया। फिश हमारी बिल्कुल तैयार हो गई है, अब इसमें हम सब्ज़दानियाँ शामिल कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो शोरबा हमने बिल्कुल थोड़ा सा बनाया क्योंकि हमें थोड़ा ही चाहिए था। साथ इसमें हम शामिल करेंगे खुश्क धनिया और गरम मसाला। और ये हमारी मज़ेदार सी फिश कड़ी बिल्कुल तैयार है। अब उतारते हैं नीचे इसको हम। बिस्मिल्लाहिर्रहमान। फिश कड़ी हमारी तैयार हो गई है, तो अभी इसको हम टेस्ट करवाते हैं।